हेलो गाइस, कैसे हो? आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने तीन स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% व 15% की दर से धन निवेश किया, तो प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। उसके निवेश का अनुपात ज्ञात करो। तो मतलब अपना पैसा जमा कर रहा है तो उसे जो लास्ट में जो मिलेगा निवेश, वो कितने परसेंट मिलेगा, मतलब कितना कितना उनका अनुपात होगा जो निवेश किया है, पैसा जमा किया है। तो इट मीन्स ये देखना है आपको कि मतलब जो आपकी SI है वो ब्याज बराबर रहेगी, तीनों की मतलब बराबर ब्याज है जो बोल रहा है उसमें। तो 6 वर्ष के लिए 10% पे, 10 वर्ष के लिए 12% पे, 12 वर्ष के लिए 15% पे। अब ये क्या तुम्हारी ब्याज की परसेंटेज हो गई? अब तुम जैसे एका निकालोगे तो तीनों का तीनों क्या है, बराबर हैं ब्याज। तो एका 60%, अब तो तीनों के तीनों बराबर हैं, तो इसमें देखो कि एका 60% निकल आएगा। अब क्या करना है, अगर 60% से पूरे में भाग डिवाइडेशन दे देंगे तो एक एक बचेगा, 2% 2 बचेगा, 3 बचेगा। 60 से 1 बार कट जाएगा, 60 200 2 बार कट जाएगा, 16 से 16 300 कट जाएगा। अब ये ए बराबर बी, 2B बराबर 3C। अब इनका ABC का अनुपात निकालना है, तो इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए को छुपा लेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 × 3 तो 6 हो जाएगा। बी का निकालेंगे तो बी छुपा लेंगे और ए 1 × 3 3 हो जाएगा। अगर 3 का निकालना है सी का तो ये नहीं हो जाएगा। इस तरीके से हम अपना रेशियो निकाल लेंगे। तो यही क्या हो गया, इसका अनुपात हो गया, ABC का निवेश का अनुपात हो गया। अब आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं अपनी तरी सुविधा के अनुसार। तो एक मेथड मैं सिखाता हूँ जनरल, जैसे AB का तीनों है तो एक का अनुपात, AB का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1, समीकरण 1 बन गया। B:C बराबर 3:2 बन गया। अब ए बी, अब समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दो, मतलब बी की वैल्यू समान कर दो तो अनुपात बन जाएगा। तो बी की वैल्यू समान करने के लिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ए अनुपात बी बराबर 6:3। अब क्या है, बी यहाँ भी सेम है, बी यहाँ भी सेम है, तो ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, 6:3:2। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हमारा वार्षिक आय या भुगतान या किस्त, जो किस्त हम लोन वगैरह लेते हैं तो उनकी किस्तों में कैसे चुकता करेंगे, उस हिसाब से उसके आधार पर प्रश्न है। देखो आइए प्रश्न देखते हैं। कितनी वार्षिक भुगतान 944 रुपये के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर 12% हो? वार्षिक भुगतान फॉर्मूला दे रखा है, देय ऋण मल्टीप्लाई 100/100T+RT T-1/2। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे आप तो 44 देय ऋण है, 100 × 400 हो गया, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो, 00 00 कट जाएगा, इससे 2 बार कट जाएगा, 2 से आंसर आपका आ जाएगा। अब इसका हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि हमने 100 रुपये जमा किए किस्त के, पहली साल के अंत में जमा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें इस पर ब्याज तो मिलेगी नहीं बिल्कुल भी। तो 12 × 0 = 0 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे हमारा 100 और 1 ईयर के लिए ब्याज मिलेगी तो हमें, तो 12 × 1 तो 12 हो जाएगा ब्याज हमारा एक्स्ट्रा। तीसरी ईयर में क्या, अगर 100 जमा करेंगे, 100 पे ब्याज हो जाएगी, 12 × 2 पे 2 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगी, 24 हो जाएगा। अब 100 फ्री तो 12 × 3 3 वर्षों की ब्याज मिलेगी इन्हें, 36 हो जाएगा। 400 + 74 टोटल कितना हो जाएगा, 472। 470 की वैल्यू कितनी है, 944। अब एक अनुपात की वैल्यू, एक अनुपात की वैल्यू निकालोगे 2 हो जाएगी। तो 100% हमेशा हमारा किस्त पर कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। तो इस तरीके से हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 1200 रुपये की धनराशि में इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग का 3 ईयर का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग के 4/1/2 वर्षों में 16% वार्षिक से साधारण ब्याज बराबर है। तदनुसार पहले भाग तथा दूसरे भाग
एसआई परस्पर मतलब परस्पर अनुपात क्या होगा, मतलब ब्याज दोनों की बराबर अनुपात जानना है, मतलब अब पहले का भाग राशि पूछ सकता है, सेकंड की राशि पूछ सकता है, तो वो भी सीख लेंगे हम इसमें। आइए तुम्हारा क्या है, 12,000 रुपये हैं, फर्स्ट दो भागों में बांटे हैं, तो पहली ईयर के लिए तो क्या हो गया, 3 वर्ष में 12% पे, 9.2 ईयर में 16 पे, तो ऐसा ही इसका ऐसा ही बराबर है सब तीनों दोनों की, तो क्या करेंगे, फर्स्ट गुणा 3 गुणा 12 इजिकल टू सेकेंड गुणा 9.2 × 16% है, तो ये फर्स्ट अपॉन सेकंड का अनुपात निकाल लीजिए, तो इसे काट देंगे 3 से 4 से काटो, 4 तिया 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3 तिया 9, 9 से 9 कट जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा बचेगा हमारा, 1:2 बचेगा, फर्स्ट अनुपात सेकेंड अनुपात 2:1 आ गया, टोटल 3 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 12,000, तो 1 अनुपात की वैल्यू 4,000। अब पहले का भाग निकालना है, तो पहले का अनुपात कितना है, 2 है, तो 2 × 4 8,000, तो 8,000 रुपये आ गया। सेकंड की राशि निकालनी है, तो 1 × 400 4,000, तो 4,000, तो इनकी दोनों की अलग अलग राशि आ गई, तो इस प्रकार के हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल्स, एनी सजेशन सो गिव मी, ओके बाय।